वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सिमर सिमर सुख पाओ बाहर जाण तो रोकीए चित विरतियां नूं एकागर करिए रसना दी पवित्रता दे वास्ते सारे ही उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश होई है संध्या वेले सतगुरां दे पावन दरबार दे अंदर सानूं इह नाम बाणी नाल जुड़न दा सुभाग प्राप्त हो रहा है। बहुत प्यारा कीर्तन रागी जत्था गुरदासपुरी बहुत ही प्यार दे नाल कीर्तन सरवण करा रहे सन। थोड़ा जिहा जो बाकी समा है इस समय दे विच आपां विचार करनी सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखाणी है जिथे केवल ते केवल नाम की व्याख्या है। नाम भावें है तो सारिआं दे अंदर ही नौनिद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनात कह न जाई अचर्ज विस्मात।
पर इस नाम तक पहुंचन वास्ते गुरु दे मंत्र दा अभ्यास हुंदा है। कोई नाम नहीं देंदा, गुरु मंत्र देंदे हन। साडे इस घर दे विच पंज प्यारे धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी दे विच प्रैक्टिकल रूप दे अंदर अमृत छकाउण समय ये मंत्र दृढ़ करवाउंदे हन। गुरु मंत्र मूल मंत्र इस दी जुगत सत्संग दे विच आ के मिलदी है। हुणे ही शब्द पढ़ रहे सी कि ढूंढ सज्जन, कोई ऐसा मित्र सज्जन लब जिहड़ा ये साथ देवे साथ निभावे। ढूंढ सज्जन संत पक्कियां ओए जीवन दे विछड़े मोया ना जाई छोड़। पहला पातशाह जी ने फरमान किया नानक कचड़िया संतोड़। कच्चे कौन ने जिन्हां दे मिलण दे नाल तुहानूं पता ही है कि वह इस पासे तो टुट के इंसान मोह ममता दे विच पै जांदा है। उन्हां दा तां साथ नहीं, वह तां सुखां दे संगी ने। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहु दिस घेरे। बिपत परी सब ही संग शार्त को न आवत नेरे। पर इधर हुणे ही आपां सरवण कीता है कि वह तो साथ नहीं देंदे। नानक कचड़िया संतोड़ ओए जीवन दे विछड़े, तो जिउंदिया का ही साथ छड़ जांदे ने। ये अगे पातशाह जी कहिंदे ने नानक कचड़िया संतोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां। ये जिहड़े पहले कच्चे ने ये तो जिउंदिया का ही साथ छड़ देंदे ने। जीवन दे विछड़े ओए मोया ना जाई छोड़। मित्रता की निशानी भी यही है कि जिहड़ा सज्जन है वह नाल चलता है। सज्जन से ही नाल में चलदा नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। ये जिहड़ी सत्संग है सतगुरां जी दे चरण शरण च आपां आउंदे हाँ, ये अगे साडे वकील बणदे ने। जैसा सतगुरु सुणींदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। बसीठ वकील नूं कहा है, दरगाह दे वकील सतगुरु जी हन। अगे पातशाह जी दसते हैं कि एक किस तरह के नाल साडा ये जीवन का मनोरथ पूरा हुंदा है। हर नामो मंत्र दृढ़ाएं दा जिवें पंज प्यारे गुरमंत्र दृढ़ करवा देंदे ने, नाम तक सत्संग दे विच आ के पहुँचन का रास्ता मिल जाता है। कट्टे होमें रोग जिहड़ा होमें का रोग है, ये कट्टिया किवें जाता है? है तो बड़ा बड़ा ये रोग होमें दीर्घ रोग है। दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी तो गुरु का शब्द कमाहे। गुरु दे शब्द नाल ये होमे दा रोग कटिया जा सकता है। ते गुरु ये मंत्र दृढ़ करवा के उस रोग दा खात्मा करदा है, क्योंकि बड़ा यही रोग है जिहड़ा मनुख नूं मिलिया है। होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैंगल वस कीना। इस तरह दे नाल ये होमे यहा जात है, होमे कर्म कमाए, होमे दे कारण ही जमदा है मरदा है। हों विच दिता हों विच लिया, हों विच खटिया हों विच गया, हों विच सच्यार कुड़ियार, हों विच पाप पुन विचार। हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच भरियै हों विच धोवै। हों विच जाति जिनसी खोवै, हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मूर्ख मुकत की सार न जाणा। ते इस दा इलाज जो है ये मंत्र दे नाल वाही गुरु गुरमंत्र है। जप होमें खोई, इस करके सारे दुखां दा इलाज ही। सर्व रोग का औखद नाम नाम है, ते ये है सारे दे अंदर। हर औखद सब घट है पाई,
गुरपूरे बिन बिद ना बनाई, गुरपूरे संजम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया। इस करके ये जड़ा है सिमरन याद गुरमंत्र दा अभ्यास, ये साध संगत ये दूर रोग करता है। हर नामो मंत्र दृढ़ाएं दा कटे होमे रोग, नानक सतगुरु तिना मलाया जिन तुरे पिया संजोग। सो आओ इस देते आप विचार करिए, क्योंकि जिन्हें भी वेद सिमरत शास्त्र हैं, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, होर भी जो भी हैं, सारे ही सिमरत वेद पुराण पुकार पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। नानक लेख है एक गल, होर होमे चखना चाख केड़ी गल है, एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल। ओ यही है कि सारिया दुखा दा सारिया रोगां दा इलाज यही है, इस नू आपां करिए। तेरे सारे दुखां दी है दारू, yeah।
जप पर अजी नूं भुल के
ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਧੰਦੇ ਅੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੈ ਗਏ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣੀ ਦੇ ਜਦ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋ ਹੀ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮੋਲ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਜੋ ਬਿੰਦ ਫੂਲ ਮਤ ਦਾ ਮਾਨ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਮਾਨ ਚੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਪਾਵਣ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਪਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਹਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਬਜਾਇਆ ਨੌ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਮਾ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਨਾ ਦਸਮਾ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ
जागी हुई रियलाइज फूल मिलती है बख्शी रूह का मिलाप होता है और साड़ी सुरख न जगा दिंदे ने चंगे भागां दी निशानी होया करती है।
फिर मेंटली ना हो जाता है, वो बोलते नहीं, अंदर ही अंदर सुनते ने करते ने बिन यह बात सोचते हे आए ये जीवा तो फिर कंठ च फिर अगे हिरदे च चल जाता है कोई जाने आनंद ही ऐसा है जरा दसन च नहीं आता एदा फल वादा वादा बैखरी तेरे मध्यमा चाओ दासना बद जाता मध्यमा तो संती चाओ होर दासना होर इस तो बाद दासना परा बाणी जिड़ी चैली पैठी ओदे अंदर जाके एक फल बच जाता है एक बारी बोल के कर लेना ते हजार बारी अंदर सुन लेना केडा महात्म बच गया ते फिर सुरत नो शब्द दे नाल जोड़ लेना है सुरत ने शब्द नो फड़ लिया फेरी ये छड़ी सुरत शब्द नाल लगी रहती है धारना ध्यान समाधि समाधि भी सब कल्प निर्वकल्प तो सहज समाधि लग जाती है सहज समाधि लगी लिव अंतर आग्या चक्कर जिथे नग अख की जड़ है इथे ध्यान करके सुरत न उच्चा चकना है शब्द नाल जोड़ना है ते स्वाद ते गुरु का मंत्र आ जावे धुन ध्यान जावे धुन बन जाती है साफ साफ सिमर गोबिंद मन अंतर की उत्तर चिंद जब साथ ते गुरु का मंत्र आ गया जिड़िया सन चिंतावान हैं क्योंकि चिंतत ही दिस है सब कोई केड़ा जिन्हों नहीं चिंता कोई लगी पर चेत एक तही सुख होए जब सात आ गया मन अंतर की उतरे चिंद क्योंकि मन ने स्वास्थ्य दौड़ना मन काबू च आ जाता जो स्वास्थ्य गुरु का मंत्र आ गया अंदर न जाते स्वास्थ्य बाहे बाहर न आते गुरु इस तरह के नाल ये जपना है एक जाप है एक अजपा जाप है अजपा जाप न मित्र आदि जुगाद समाए जहदी तह रही ओ ऐसी अवस्था है उन्मन उस अवस्था के विच जाके कोई शब्द नहीं कोई बयान किया जाए कि बड़ी बख्श एक गुरु मंत्र दी है तो आओ
ਸਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਲ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੋ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਆਓ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ ਵਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਵਿਘਨ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪੇ ਅਰੋਗਾ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਵੱਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਤਰ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।